कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड बनाने जा रहे हैं, वड़ा पाव। उसके लिए पहले हम उसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। हमने थोड़ा हरा धनिया ले लिया है, उसमें हम दो हरी मिर्ची डाल देंगे, तीन से चार लहसुन की कलियां, दो टेबलस्पून भुने हुए चने, थोड़ा नमक। हम इसका मिक्सर में फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, हम इसमें अब नींबू का रस ऐड कर देंगे। हमने एक छोटे नींबू को दो हिस्सों में कट कर लिया है, ये आधे नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। चटनी बिल्कुल रेडी है, हम अभी वड़े बनाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमने तीन आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। हमने इन आलूओं को बॉईल करके छील लिया है। एक पैन में हमने दो टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें हम एक टीस्पून राई डाल देंगे, सरसों के दाने, साथ में हम डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्चें। जब तक राई का आवाज़ आना बंद नहीं होता, तब तक हम इसे पकने देंगे। अगर हम इसे इस तरह पूरी तरह पकने नहीं देंगे तो ये कड़वी लगेगी। राई में से आवाज़ आना बंद हो गई है, हम इसमें थोड़े करी पत्ते डाल देंगे, 10 से 12। हमने चार कली लहसुन, दो हरी मिर्ची और एक टुकड़ी अदरक ले ली है। इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे मिक्सर में। जो अदरक लहसुन और मिर्ची का मसाला हमने ग्राइंड करके तैयार किया है वो भी डाल देंगे। आधी मिनट के लिए हम फ्लेम को लो रख के सारी चीज़ें भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून, थोड़ा नमक, थोड़ा हरा धनिया। फ्लेम को लो रखा है हमने, हम सारी चीज़ों को चलाते हुए भून लेंगे। सारी चीज़ें भुना गई हैं, अब हम जो आलू हमने बॉईल किए हैं इसे इस तरह हाथ से ही क्रश कर लेंगे और डाल देंगे। हम आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, बस हाथों से ही इस तरह क्रश कर लेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, हम इसमें थोड़ा और हरा धनिया भी डाल देंगे। इसमें हरे धनिये का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। और इस तरह से हम इसे चलाते भी जाएंगे और हल्के हल्के मैश भी करते जाएंगे। हम इसे एक स्टील के चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन स्पैचुला बहुत सॉफ्ट है, उससे सही तरीके से हम उसे मैश नहीं कर पा रहे हैं। बस इस तरह से हमने देखिए इसे मैश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल मैश भी नहीं किया है, कुछ कुछ पीसेस हमने इस तरह से रख दिए हैं, क्योंकि जब आप बाहर वड़ा पाव खाते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें थोड़े पीसेस भी होते हैं, पूरी तरह से मैश नहीं होता है ये। ये दो मिर्चियां जो हमने ऐड की हैं, ये सिर्फ हमने फ्लेवर के लिए ऐड की हैं, इन्हें अब हम निकाल देंगे। थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देंगे। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तक हमारे आलू ठंडे होते हैं, हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। हमने एक कप बेसन लिया है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, एक चुटकी बेकिंग सोडा, इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस एक चुटकी।
एक चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी 1/4 चम्मच। हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे गरम करके, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें ये मिक्सचर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे थिक रखना है हमें। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे, इस तरह से थिक रखना है। हम अब इसे 10 मिनट के लिए रहने देंगे ऐसे ही, जब तक हम आलू के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू ठंडे हो चुके हैं, हम इनके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो ये करी पत्ते निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इन्हें अलग कर सकते हैं। बस हम ये साइज़ के बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। हमने 3 आलू में 12 वड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। हम इस तरह से जो हमने वड़े तैयार किए हैं इसे डाल देंगे बेसन के घोल में। आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अब गरम तेल में ऐड कर देंगे। हमने ऑयल को गरम करके बाद में फ्लेम को लो कर दिया है। हम पहले तमाम वड़े इसमें डाल देंगे, बाद में फ्लेम बढ़ाएंगे। हमने अब फ्लेम को हाई कर दिया है, हम इसे कुछ वक्त तक चलाएंगे नहीं। हमने अभी फ्लेम को लो कर दिया है, हमने 1 मिनट इसे पकाया है एक साइड से। अब हम ध्यान से इन्हें टर्न कर देंगे। इन्हें हमने टर्न कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से एक साइड से पक गए हैं। हम फ्लेम को हाई करके दूसरी साइड से भी इन्हें पका लेंगे। वड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के वड़े भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। सूखी लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल देंगे। इन कलियों को हमने बीच बीच में से स्लिट कर लिया है। फ्लेम को हमने लो रखा है, 10 सेकंड के बाद हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे और 20 सेकंड के बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें तिल ऐड कर देंगे, सेसमी सीड्स। फ्लेम को लो रख के हम सारी चीज़ों को चलाते रहेंगे। हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पर तमाम चीज़ों को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर भी गोल्डन हो गया है। हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें सूखा खोपरा, सूखे नारियल का पाउडर डाल देंगे जो मार्केट्स में ईजिली मिलता है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी सूखा नारियल ऐड कर सकते हैं। हमने ये 1/4 कप लिया है, 1/4 कप। साथ में हम 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को चलाते हुए भून लेंगे। हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लिया है। फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था। हम इसे ठंडा होने देंगे और ग्राइंडर में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल हाई स्पीड पर ग्राइंड नहीं करना है, इसे लो स्पीड पर धीरे धीरे ग्राइंड करना है और बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। Thank you.
दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।